हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फारूक उबैदुल्लाह, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बातें करेंगे खाने में मौजूद कैलोरी को समझने के आसान से तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हरी सब्जी अगर हम 100 ग्राम यानी एक प्याला खाते हैं, हरी सब्जी, मैं आलू की बात नहीं कर रहा, अगर हम हरी सब्जी एक प्याला 100 ग्राम खाएंगे तो हमें 20 कैलोरी मिल जाएगा। अगर हम आलू खाते हैं एक प्याला यानी 100 ग्राम, तो सीधे ये 100 कैलोरी हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो भी सलाद के आइटम हैं, जैसे खीरा, प्याज, आपका टमाटर, ऐसी चीज़ों को काट के आप सलाद बनाकर अगर उसमें से 100 ग्राम खाएंगे तो आपको 20 कैलोरीज मिलेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने जो सब्जी बनाई है उसमें तेल ऐड कर दिया तो तेल का कैलोरी अलग से आपको काउंट करके जोड़ना होगा उस सब्जी के कैलोरी के साथ। एक ग्राम तेल में 9 कैलोरी होती है। अब वो तेल सरसों का हो, नारियल का हो, या दुनिया का कोई भी ब्रांड हो, या दुनिया की किसी भी चीज़ का बना तेल हो, एक ग्राम में 9 कैलोरी। एक पर्सनल एडवाइस है फ्रेंड, खाने में सबसे खतरनाक चीज़ कोई होती है तो वो होती है, होता है ऑयल। आपको ऑयल अपने जीवन से कट करना होगा। ये ऑयल हमारे शरीर के भीतर जाकर शरीर का तेल निकाल दे रहा है, कोई सेहत नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं फल को। फ्रेंड्स, अगर केला और आम को हटा दिया जाए तो सारे फल अगर 100 ग्राम आप खाते हैं तो 50 कैलोरी आपके शरीर के भीतर चला जाएगा। अगर आपने आम खाया 100 ग्राम तो ये 50 सीधे 100 कैलोरी हो जाएगा। अगर आपने केला खाया तो 100 ग्राम है तो सीधे 100 कैलोरीज पहुंच जाएगा। लेकिन केला और आम को छोड़े सारे फल 100 ग्राम खाने पे 50 कैलोरी आपके शरीर के भीतर पहुंचेगा। अब रोटी को समझते हैं। गेहूं की एक सामान्य साइज की रोटी अगर आप एक पीस खाएंगे तो 100 कैलोरीज आपके शरीर के भीतर। एक पीस बड़ा वाला ब्रेड खाएंगे तो 100 कैलोरीज आपके शरीर के भीतर। 4 पीस के लगभग अगर आप एक अच्छी कंपनी का एक अच्छा बिस्किट खाएंगे तो 100 कैलोरीज आपके शरीर के भीतर। एक प्याला पका हुआ चावल यानी 100 ग्राम पका हुआ चावल अगर आप खाएंगे तो 100 कैलोरीज आपके शरीर के भीतर। अब आप समझने की कोशिश कीजिए मीठी चीजों को। फ्रेंड्स, रसगुल्ला एक पीस या गुलाब जामुन एक पीस या इसी प्रोसेस से बनी हुई कोई भी मिठाई जो रसगुल्ला या गुलाब जामुन के प्रोसेस से बनती है, उसको एक सिंगल पीस खाएंगे तो 300 कैलोरीज आपके शरीर के अंदर जाएगा। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स यानी कि जैसे कि बादाम, ऐसी चीज़ों को जब आप खाएंगे, या तली हुई चीज़ें जैसे कि आपके नमकीन, ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो 100 ग्राम अगर आप बादाम को खाएंगे या तली चीजों को खाएंगे तो 500 कैलोरीज आपके शरीर के भीतर चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप समझिए अंडे को। अगर एक उबला हुआ अंडा आप खाएंगे तो 78 कैलोरीज आपके शरीर में जाएगा। अगर इस अंडे को आपने फ्राई कर दिया है तो जितना ऑयल डाला है ऑयल के हिसाब से उसकी कैलोरीज ऐड करके आप जो निकलेगा हल उसका वो निकाल लीजिएगा। अगर आप चिकन खा रहे हैं तो 100 ग्राम चिकन में आपको 195 कैलोरीज मिल जाती हैं लगभग। अगर आपने मटन खाया है यानी रेड मीट खाया है तो 100 ग्राम मटन में 330 कैलोरीज आपको मिलती हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसान सिस्टम में आपको बता दिया है, ज़्यादा गुड़ा भाग करना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। जब खाना खाने बैठिए तो मेरी इस वीडियो को याद कर लीजिए और जो जो खाना आपके सामने रखा जाए तुरंत आप ठक 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 उसका कैलकुलेशन निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा आपको कितनी कैलोरी आपके बॉडी में जा रही है। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता हो मैं मेरी वीडियोज़ आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए थोड़े से भी फायदेमंद हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक Thanks a lot.